हेलो स्टूडेंट, मौर्य देवता पढ़े कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जो मैंने इससे पहले वाला वीडियो बताया था उसमें मैंने आपको बताया था कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है, मैंने उसकी डेफिनेशन बताई थी, उसके मैंने रूल्स बताए थे और मैंने आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल के द्वारा बताया था, यानी आपने बोल सकते कि मैंने उसका सिंटेक्स बताया था आपको कि आप कंस्ट्रक्टर को किस प्रकार से डिक्लेयर कर सकते हैं क्लास के अंदर। आज अपने कंस्ट्रक्टर को एक प्रोग्राम के सहायता से समझेंगे। मैं एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाऊंगा जिसमें कंस्ट्रक्टर का प्रयोग किया जाएगा और साथ में एक मेंबर फंक्शन का भी साथ में मैं क्या करूंगा उसका प्रयोग करूंगा और मैं बताऊंगा कि आप उसमें कंस्ट्रक्टर को किस प्रकार से कॉल करेंगे या मेंबर फंक्शन आपका किस प्रकार से कॉल होगा। अपने उसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग करके भी देखेंगे कि अगर ये चेंजिंग करते हैं तो क्या फर्क उस पर पड़ता है प्रोग्राम पे। तो अपने आज एक प्रोग्राम जाता है इसको समझते हैं, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हैश इंक्लूड आपकी हेडर फाइल आईओ स्ट्रीम डॉट एच, दूसरी हेडर फाइल आपकी हैश इंक्लूड कॉनियो डॉट एच, दो हेडर फाइल लगा ली आईओ स्ट्रीम डॉट एच और कॉनियो डॉट एच। अब क्या करना है कि अब मैं एक क्लास बनाता हूं, मैं क्या बनाता हूं, एक क्लास बनाता हूं। तो मैं लिखा क्लास मैं बनाई, क्लास का नाम मान लीजिए मैं देता हूं डेमो, मैंने क्या नाम दे दिया, मान लीजिए मैंने नाम दे दिया डेमो, क्लास का नाम क्या है डेमो है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्लास को यहां पे मेंबर डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन में यहां पर बनाऊंगा। तो मैंने बताया था आपको कि कंस्ट्रक्टर का नाम क्या होता है, जो क्लास का नाम होगा वही कंस्ट्रक्टर का नाम होगा। दूसरी बात कि कंस्ट्रक्टर को हमेशा कहां डिक्लेयर किया जाता है, क्लास के पब्लिक सेक्शन में, यानी पब्लिक वाले भाग में क्लास आपका जो कंस्ट्रक्टर हमेशा क्या होगा डिक्लेयर होगा। तो मैं क्या करता हूं, क्लास बनाता हूं, तो मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा पब्लिक लिख दिया मैंने, मतलब ये आपका पब्लिक सेक्शन शुरू है, आपका क्लास का भाग शुरू है। इसमें मैंने मान लीजिए मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर मैं एक डाटा मेंबर बनाता हूँ। मैंने लिखा एंट, मान लीजिए सी, मैंने क्या लिया, मैंने एंट सी ले लिया। अब मैं क्या करता हूँ, एक कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ, आपका पब्लिक सेक्शन नहीं है तो मैं इसमें क्या बनाऊँ, कंस्ट्रक्टर बना लूँ। तो मैंने लिखा डेमो, ये नाम यानी क्लास का नाम और कंस्ट्रक्टर नाम आपका क्या होगा एक समान होगा, बस पहचान क्या होगी, उसके आगे ब्रैकेट्स लगे होंगे छोटे ब्रैकेट। अगर इसमें कुछ पैरामीटर है तो आपको पैरामीटर कंस्ट्रक्टर कहलाएगा, अगर मान लीजिए पैरामीटर नहीं है तो आपका वो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर कहलाएगा। जैसे अभी ये क्या है, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर है। मैं आगे इसके प्रकार भी आपको बताऊंगा कि ये कितने प्रकार के होते हैं, उनको मैं प्रोग्राम के साथ बताऊंगा कि फिर उसको प्रोग्राम से कैसे इसको यूज में लेंगे। तो आज अपनी बात करते केवल डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, तो ये आपका क्या है, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसके अंदर मैं इसमें एक डाटा मेंबर, या मैं कह सकता हूं कि मैं इसमें एक वैल्यू ले रहा हूं। जैसे मान लीजिए मैंने क्या लिया, मैंने क्या सी बराबर 10, मैंने क्या ले लिया, मैंने सी बराबर मैंने क्या कर दिया 10 कर दिया। या मैं कह सकता हूं, जैसे मान लीजिए मैं इसको x लेता हूं, सी नहीं सी नाम इसका है, मैंने क्या कर दिया x बराबर मैंने 10 कर दिया। ये आपका c है और ये आपका पब्लिक, ये आपका जो c है वो आपका क्या है, क्लास का डाटा मेंबर है, और ये डेमो ये क्या है, जो x है वो आपका क्या है, फंक्शन का मेंबर है, आपके कंस्ट्रक्टर का मेंबर है x। तो आपका मैंने क्या लिखा, x बराबर 10, यानी x में कितना मान है, 10 मान है। अब मैं क्या करता हूं कि मैं इसको प्रिंट कराता हूं, मैं इसको क्या करता हूं साथ में प्रिंट करवा रहा हूं, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखता हूं सी आउट मैंने दिया यहां पे मैसेज दे दिया वैल्यू इज, मैंने क्या मैसेज दिया, वैल्यू इज क्या है x की, मैसेज आ जाएगा आपका और x का मान आ जाएगा। अब मैं कंस्ट्रक्टर को यहां पे क्या करता हूं, बंद कर दिया। अब मैं इस क्लास का एक मेंबर फंक्शन बनाता हूं, ये तो आपका क्या कंस्ट्रक्टर बनाया मैंने, अब क्या बनाता हूं मैं
मैं एक मेंबर फंक्शन और बना रहा हूं जिसका नाम क्या दे दिया, डिस्प्ले। चलो मैं बनाता हूं, मैं लेता हूं यहां पर void डिस्प्ले। ये आपका क्या एक मेंबर फंक्शन है, किसका, क्लास का, कंस्ट्रक्टर नहीं है। कंस्ट्रक्टर तो क्या हो गया, यहां से यहां पर खत्म हो गया। ये आपका क्या डिस्प्ले दूसरा मेंबर फंक्शन है क्लास का। इसमें क्या काम होना चाहिए, मैं आगे यहां लिखता हूं, ये आपका मेंबर फंक्शन शुरू हो गया। इसमें मैं क्या कर रहा हूं कि इसके अंदर मैं एक केवल मैसेज प्रिंट कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, केवल एक मैसेज प्रिंट करवा रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, ये केवल ये जो फंक्शन है केवल आउटपुट देखने के हिसाब से है। तो मैंने मैसेज क्या दिया इसमें, सी आउट दिस इज नॉर्मल फंक्शन, मैंने क्या लिख दिया, दिस इज नॉर्मल फंक्शन। ये मैसेज आपका आ गया और ये आपका डिस्प्ले वाला जो आपका मेंबर फंक्शन यहां पर क्या हो गया, खत्म हो गया। और आपकी यहां पर क्या होगी, क्लास भी खत्म हो गई, मतलब यहां पर जो क्लास बनाई थी वो यहां पर क्या होगी, बंद हो गई। अब क्या करते हैं कि अब मैं मेन फंक्शन काम लिखता हूं। मैं क्या करता हूं, मेन फंक्शन को लिखता हूं। तो मैं लिखा यहां पर void main। देखो यहां void आया है लेकिन यहां पे void नहीं आया, क्यों, मैं बताया था कि जो कंस्ट्रक्टर होता है वो कोई किसी भी प्रकार का मान रिटर्न नहीं करता, इसलिए ना तो उसका कोई रिटर्न टाइप लिखा जाएगा और ना void कीवर्ड का प्रयोग किया जाएगा उसके आगे। तो यहाँ पर मैंने कुछ नहीं लिखा है, मैंने क्या लिखा उसका है, केवल नाम लिखा है और डिफॉल्ट आर्गुमेंट मैंने इसको बना रखा है। अब मैंने क्या लिखा, void main, आपका main फंक्शन यहां से शुरू हो गया। अब मैं इसमें क्या कर रहा हूं, मैं इसमें आपको लिखा हूं clr str फंक्शन लगा दिया मैंने आपके क्लियर स्क्रीन के लिए। अब एक बार उसे जाएगा, जैसे मान लीजिए अभी आउटपुट आएगा, जैसे मान लीजिए आपका क्या है, आउटपुट होगा। अब मैं क्या कर रहा हूं कि इस मेन फंक्शन के अंदर एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर रहा हूं, किसका, क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा हूं मैं। तो मैं क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनाऊंगा, क्लास का नाम क्या है आपका, डेमो है, तो मैं लिख दिया डेमो ओबीजे। जैसे ही मैंने यहां पर ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर किया तो क्या हो गया कि आपका जो कंस्ट्रक्टर है ये अपने आप ही कॉल हो जाता है। ये क्या होगा, अपने आप ही कॉल हो जाएगा, यानी इसको कॉल करने की आवश्यकता नहीं है। तो आपका ये मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसका नाम क्या है, ओबीजे। अब मैं क्या कर रहा हूं, मुझे डिस्प्ले फंक्शन को भी क्या करना है, कॉल करना है या एक्सेस करना है, तो मैं क्या लिखूंगा और वो सोचिए क्या काम आएगा आपका, यही ऑब्जेक्ट काम आएगा। तो मैंने क्या लिख दिया, मैंने लिख दिया ओबीजे, मैंने क्या लिखा ओबीजे डॉट डॉट ऑपरेटर डिस्प्ले। आपका ये डिस्प्ले फंक्शन भी क्या हो गया, कॉल हो गया। अब देखो एक बार अपने का देखते हैं, इसका आउटपुट देखते हैं। तो अब मैंने जब ये ऑब्जेक्ट बनाया तो क्या हुआ कि आपका ये कंस्ट्रक्टर क्या हुआ, अपने आप कॉल हो गया। और इसमें मैं क्या दिया है, वैल्यूज, ये मैसेज और इसकी वैल्यू कितनी है, 10। तो आपका आंसर क्या आएगा, अपने आप लिखा हुआ आएगा वैल्यू इज 10। अगर मान लीजिए इसको छोड़ देते हैं एक बार, तब मैं बताता हूं तभी क्या आएगा, आपका वैल्यू 10 लिखा आएगा। अब ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है कि आपके डिस्प्ले फंक्शन को एक्सेस कर रहा है। तो मैं लिखा ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्ले, अभी डिस्प्ले फंक्शन में मैंने क्या दिया है, दिस इज नॉर्मल फंक्शन। तो आपका क्या लिखा हुआ आएगा, दिस इज नॉर्मल फंक्शन, ये मैसेज आ जाएगा। अब मान लीजिए मैं काम करता हूं, जैसे मान लीजिए अभी तो ये वैसे तो क्या हो गया आपका, ये खत्म हो गया। मैं एक बार इसको बंद कर देता हूं प्रोग्राम को, गेट सी एच और आपका मेन फंक्शन खत्म। अब आप करते हैं, अब इसमें क्या थोड़ी बहुत चेंजिंग करके देखते हैं कि अगर मैं इस प्रोग्राम में कुछ चेंजिंग करता हूं तो उसका क्या असर पड़ेगा आपके आउटपुट पे। जैसे मान लीजिए मैंने क्या किया, यहां पर एक ऑब्जेक्ट
मैंने डिक्लेयर कर रखा है, और मान लीजिए मैं एक ऑब्जेक्ट और डिक्लेयर करता हूं, जैसे मान लीजिए मैंने कॉमा, मैंने लिख दिया ओबीजे वन, मैंने क्या कर दिया, मैंने एक ऑब्जेक्ट और डिक्लेयर कर दिया ओबीजे वन। अब कितने बार हो गए, दो डिक्लेयर हुए ऑब्जेक्ट, तो अब क्या होगा कि आपका जो कंस्ट्रक्टर है वो दो बार कॉल होगा, कितनी बार कॉल होगा, दो बार अपने आप। तो मतलब क्या लिखाएगा, एक बार तो लिखा हुआ है ये वैल्यू 10, तो एक बार वो लिखाएगा वैल्यू 10, फिर लिखाएगा डिस्प्ले फंक्शन कॉल वर्क, तो क्या लिखाएगा, दिस इज नॉर्मल फंक्शन, दिस इज नॉर्मल फंक्शन, ये लिखाएगा। अब ये कॉल होगा, अगर मान लीजिए मैं क्या करता कि मैं एक ऑब्जेक्ट को एरे बना देता, मैं इस ऑब्जेक्ट क्या करता एरे बना देता, जैसे मान लीजिए और मैंने क्या दे दिया इसके अंदर 5 दे दिया, मैंने क्या दे दिया 5, तो अब ये कितने ऑब्जेक्ट बने हैं भाई, एरे क्या होता है, जो एरे तो आपका एक ही होता है, वेरिएबल तो आपका एक होता है, लेकिन उसके लिए क्या होता है 5 मेमोरी एलोकेट होती है, जैसे जितने का साइज उतनी मेमोरी आपकी क्या होती है एलोकेट होती है, यहाँ पर कितने हो गए आपके 5, मतलब क्या बना आपका ये ओबीजे 0 to OBJ 4 तक के आपके नाम ऑब्जेक्ट डिक्लेयर हो गए, यानी 5 ऑब्जेक्ट आपके डिक्लेयर हुए, तो ये क्या होगा आपका ये कंस्ट्रक्टर अपने आप 5 बार कॉल होगा, कितनी बार कॉल होगा अपने आप ही 5 बार, यानी आपका आउटपुट क्या आएगा, ये वैल्यू इज 10, कितनी बार आएगा 5 बार आएगा। फिर नीचे लिखा हुआ आएगा आपका ये डिस्प्ले फंक्शन वाला, दिस इज नॉर्मल फंक्शन, जो भी आपका लिखा हुआ है वो लिखा हुआ आएगा। तो आप यहां अगर एरे बनाते हैं तो जितने का एरे बनाए तो उतना बार क्या होगा आपका ये कंस्ट्रक्टर अपने आप ही कॉल होगा, अगर एक ऑब्जेक्ट है तो एक बार कॉल होगा, अगर आपने दो ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किए हैं तो दो बार का क्या होगा वो कॉल होगा, अगर हमारी आपने ऑब्जेक्ट को एरे बना दिया है आप क्या करें तो क्या होगा आपका कंस्ट्रक्टर उतनी बार कॉल होगा जितना आपने एरे बनाया है। अब मैं एक काम और करता हूं कि मैं अगर इस डिस्प्ले फंक्शन को कहां ले देता हूं, कंस्ट्रक्टर के अंदर ही कॉल कर देता हूं, मैं क्या करता हूं डिस्प्ले फंक्शन को कंस्ट्रक्टर के अंदर ही कॉल कर देता हूं, मान लीजिए मैंने यहां पर इसको मैंने कहा कि यहां पर मैंने देखो यहां पर क्या किया इसको मैंने कहा यहां पर मैंने void डिस्प्ले, मैंने क्या फंक्शन को यहां पर कॉल कर लिया, किसमें कंस्ट्रक्टर के अंदर, आपका जो सॉरी फंक्शन बना हुई है आपका void डिस्प्ले, अब क्या है आपका इसमें कि मैंने इस फंक्शन को यहां कॉल लगाकर मैंने क्या कॉल कर लिया void डिस्प्ले, मैंने यहां से उड़ा देता हूं, मैंने यहां पर कॉल मैंने डिस्प्ले फंक्शन को कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या कर रखा है कॉल कर रखा है, तो मैं कंस्ट्रक्टर के अंदर किसी दूसरे मेंबर फंक्शन को एक्सेस कर सकता हूं, कंस्ट्रक्टर क्या है एक विशेषता और इसकी, कंस्ट्रक्टर के द्वारा किसी दूसरे मेंबर फंक्शन को एक्सेस किया जा सकता है, तो मैं इस मेंबर फंक्शन को एक्सेस कर रहा हूं, मैं इसके अंदर कॉल कर रहा हूं, तब क्या होगा कि आपका ऑब्जेक्ट कितना बना है 5 का है, तो आपका क्या होगा ये जो कंस्ट्रक्टर है कितनी बार होगा मैं बताया आपको 5 बार क्या लिखेगा वैल्यू 10 यानी आपका 5 बार आएगा। अब मैंने क्या कर दिया कि इस जो आपका डिस्प्ले फंक्शन है जो आपका जो क्या मेंबर फंक्शन है उसको मैंने क्या लिख कर दिया कंस्ट्रक्टर के अंदर कॉल कर लिया, तब क्या है जो लिखा हुआ दिस इज नॉर्मल फंक्शन ये भी आपका क्या होगा 5 बार प्रिंट होगा, कितनी बार प्रिंट होगा 5 बार, क्यों, क्योंकि अब ये क्या है अभी बाहर नहीं, अब ये क्या कंस्ट्रक्टर के अंदर, जब कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो ये भी क्या होगा साथ में आपका कॉल होगा, और जितनी बार कंस्ट्रक्टर कॉल होगा उतनी बार आपका फंक्शन भी क्या होगा ये कॉल होगा, यानी आपको 5 तो आपका ये क्या ये इसकी वैल्यू और 5 आपके डिस्प्ले फंक्शन की वैल्यू, यानी आपको 10 बार कोई वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। जैसे मान लीजिए मैं आप क्या करता हूं मैं यहां पर एक ही करता हूं और भी जो मैंने किया है और भी जो किया मैंने, तो अब क्या होगा अब आपका अपने आप ही अब मुझे डिस्प्ले फंक्शन को कॉल क्या नाम है कॉल करने की आवश्यकता नहीं, एक्सेस करने की मुझे आवश्यकता नहीं है, क्यों, क्योंकि मैंने इसको यहीं पे कॉल कर लिया है कंस्ट्रक्टर के अंदर ही, तो क्या होगा अब लिखा हुआ आएगा आपका वैल्यू इज 10 और लिखाएगा दिस इज
नॉर्मल फंक्शन, ये मैसेज आपके सामने लिखा हुआ आएगा क्योंकि मैंने फंक्शन को यही कॉल कर रखा है। तो ये था एक कंस्ट्रक्टर का प्रोग्राम जिसमें मैंने बताया कि कंस्ट्रक्टर को किस प्रकार से अपने प्रोग्राम के साथ से बनाते हैं, अगर उसमें थोड़ी बहुत जैसे चेंजिंग करते हैं तो उसका प्रोग्राम पे क्या असर पड़ता है। तो ये आज का वीडियो था। इस वीडियो से मुझे किसी प्रकार की क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।